हेलो फ्रेंड्स, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल पर। और आज मैं रिव्यू करने वाली हूँ कुर्ता सेट्स की, जो कि 3 पीस कुर्ते सेट में आने वाले हैं। और इस वीडियो में सारे जो आप कुर्ते सेट्स देखेंगे वो सारे अलग अलग कलर के हैं। बहुत ही ज़्यादा कलरफुल मंगाया है मैंने इस बार, अलग अलग कलर ट्राई किया है, तो वही कलर पहन के मैं बहुत ज़्यादा बोर हो गई थी, तो मैंने सोचा कि क्यों ना कुछ अलग अलग डिफरेंट कलर ट्राई किया जाए। और जो जो मैंने मंगाया वो मुझे बहुत ही अच्छा लगा और क्वालिटी बहुत अच्छी लगी, तभी मैंने रखा है। और इस वीडियो में जो भी आपको सेट देखने मिलेंगे वो काफ़ी ज़्यादा अच्छे हैं और आप उन्हें जरूर ट्राई कर सकते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे यही एक बात बोलूँगी जो कि सारे यूट्यूबर बोलते हैं, अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर कीजिए। और आप अगर इस चैनल पर पहली बार आएँ तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, और ऐसे ही अच्छे अच्छे वीडियोस देखने के लिए बने रहिए मेरे चैनल पर। तो शुरुआत करते हैं। और इस जो ये जो कुर्ता सेट्स है ज़्यादातर मीशो के हैं, और कुछ एक कुर्ती मैंने एजियो से मंगाए हैं, तो सारी जो है उसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, वहाँ से आप ले सकते हैं। तो फर्स्ट वाला जो है ये कुछ कुर्ती ड्रेस है कुछ इस प्रकार का, और मैंने एजियो से मंगाया है ये वाला। फेस्टिवल वगैरह में आप ट्राई कर सकते हैं, दीपावली वगैरह में पहन सकते हैं इसे, और कहीं बाहर जा रहे हैं तो भी पहन सकते हैं। बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल है, और इसका जो फैब्रिक है वो कॉटन है। इसके नेक पर यहाँ देख सकते हैं लेस लगा हुआ है। सबसे पहले मैं इसे नीचे रख देती हूँ और आपसे फिर दिखाती हूँ आपको। और ये जो है काफ़ी अच्छी घेर वाली कुर्ती है और कॉटन की है, तो इसके नेक में आप देख सकते हैं इस प्रकार का एम्ब्रॉयडरी बना हुआ है और लेस लगी हुई है एम्ब्रॉयडरी वाली, और फेक मिरर वर्क से काम किया हुआ है इसमें, और 2 कलर के धागे से पूरे वर्क है इसमें, और इसका कलर भी बहुत ही ज़्यादा प्यारा है। और ये जो कपड़ा ऐसा है ना इसका कि आप कहीं भी घूमने जा रहे हैं तो भी आप इसे पहन सकते हैं, और फेस्टिव वगैरह में अच्छी सी ज्वेलरी के साथ आप पेयर करेंगे तो ये फेस्टिव वेयर टाइप का भी लुक देगा। यहाँ पर इसके आपको पाइपिंग मिल जाएगी स्लीव्स में दोनों साइड। जो है इसका ब्रांड है ये देख सकते हैं आप, और इसकी जो प्राइस है मैंने निकाल दिया है शायद इसकी प्राइस, और इसकी प्राइस मैं लगा दूंगी यहाँ पर स्क्रीन पर, उसमें से आप देखकर ले सकते हैं। और ये मुझे कुछ डिस्काउंट में मिला है, शायद 70% या 80% ऑफ में मिला होगा मुझे ये, 600 या 700 के आसपास का है ये ड्रेस। और ये इसका घेर देख सकते हैं आप कितना ज़्यादा प्यारा है, और इसका जो फैब्रिक है वो अच्छा खासा मोटा है, बिल्कुल भी पतला नहीं है। इसके नीचे भी आपको इस प्रकार की लेस मिल जाएगी, जो कि पास से दिखाती हूँ मैं आपको, ये इसकी उल्टी साइड है और ये इसकी सीधी साइड है। और फैब्रिक की क्वालिटी और स्टिचिंग की क्वालिटी भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी है, पास से देख सकते हैं आप इसे। और इसमें जो है मुझे छोटा साइज मिल नहीं रहा था, तो इसीलिए मैंने बड़ा साइज मंगा लिया है, थोड़ा सा मैं इसे अल्टर कर लूँगी। अच्छी खासी घेर वाली कुर्ती है, फ्लोर लेंथ कुर्ती है, और इसके अंदर आपको स्लीव्स भी मिल जाएगा, मैं आपको दिखाती हूँ स्लीव्स। तो ये रही इसकी स्लीव्स, और स्लीव्स काफ़ी ज़्यादा अच्छी लंबी है, चाहे तो आप छोटी स्लीव्स रख सकते हैं या चाहे तो 3-4 स्लीव्स बना सकते हैं इसकी। एक बात तो बताना भूल ही गई मैं आपको कि इसके साथ में एक बेल्ट मिल जाता है जो कि इस टाइप का है, और जैसे कि नेक पर देखा आपने डिज़ाइन है सेम वैसे ही बेल्ट में बना हुआ है, और बेल्ट के पीछे आपको इलास्टिक मिल जाता है और इलास्टिक में हुक लगा हुआ है, तो आप इसे एडजस्ट कर सकते हैं और बेल्ट लगाएंगे तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा लुक आएगा कुर्ती का। चलिए अगली कुर्ती की तरफ चलते हैं। तो अगली वाली कुर्ती ये है, ये आजकल जो त्यौहार आने वाले हैं उसके हिसाब से ये बहुत ज़्यादा अच्छी है ये कुर्ती, और इसकी एम्ब्रॉयडरी देख सकते हैं आप ये नेक पर कितना अच्छा एम्ब्रॉयडरी किया हुआ, ये प्रिंट बिल्कुल भी नहीं है, पास से दिखा दो आपको पूरे धागे से और जरी से कढ़ाई है इसमें, और ये सिल्वर कलर की कढ़ाई है, सिल्वर कलर की जरी से कढ़ाई है। मैं इसे खोल कर दिखाती हूँ आपको, तो ये वाला जो कुर्ता है इसका फैब्रिक कॉटन है, कॉटन जैसा है, और कॉटन और रेयन मिक्स होगा शायद, लेकिन जो है कंफर्टेबल है बहुत ज़्यादा ये कुर्ता, और इसके स्लीव्स में भी आपको वैसे ही डिज़ाइन मिल जाएंगे जैसे कि नेक पे है, और ये पूरी एम्ब्रॉयडरी बनी हुई है यहाँ पर स्लीव्स में भी, और ये पूरा जो कुर्ती में है ये प्रिंट मिल जाएगा, और इसमें यहाँ पर से नायरा कट है तो यहाँ पर से आपको पूरा डिज़ाइन मिल जाएगा नीचे तक, साइड से पूरा कट है ये, और ये नीचे में भी यहाँ पर इस प्रकार का चौड़ा बॉर्डर मिल जाएगा आपको, और यहाँ पर कमर में घेर मिल जाएगा, मतलब ये अनारकली टाइप का दिखता है और साइड से स्लिट है, तो ये नीचे आकर यहाँ पर से कमर के पास से ये नायरा कट वाला हो जाता है,
और ये जो कुर्ती है फ्लोर से थोड़ी सी ऊपर आएगी आपको, और अगर आपकी हाइट ज़्यादा है तो थोड़ी ज़्यादा ऊंची आएगी। और ये, और इसमें आपको दो तीन कलर और मिल जाएंगे, इसमें पिंक कलर है, ग्रीन कलर है, और एक ये वाला ब्लू कलर है। तो मैंने ब्लू कलर मंगाया था, फिर बाद में मैं सोच रही थी पिंक मंगाना था, लेकिन ब्लू कलर भी अच्छा है इसका। इसका पैंट और दुपट्टा भी मिला है, तो पैंट दिखाती हूँ मैं आपको। ये रहा पैंट, और इसके पैंट में भी नीचे यहाँ पर पजामा में यहाँ पर नीचे आपको इस प्रकार की एम्ब्रॉयडरी मिल जाएगी, कमर में इलास्टिक मिल जाएगा यहाँ पर। ये है इसका दुपट्टा, और दुपट्टा भी आपको कॉटन जैसा ही मिलेगा। तो दुपट्टे में पूरे आपको प्रिंट मिल जाएंगे, ये उल्टा साइड है और ये इसका सीधा साइड है। तो ये पूरे दुपट्टे में आपको प्रिंट मिल जाएगा इस टाइप का, और दुपट्टे में एम्ब्रॉयडरी तो नहीं है लेकिन प्रिंट है, और दूर से देखने पर ये एम्ब्रॉयडरी जैसा ही लगता है। और ये दुपट्टा भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा लंबा और चौड़ा है, इसकी लंबाई और चौड़ाई काफ़ी ज़्यादा अच्छी है, ये देख सकते हैं आप फ्रेंड्स। पहनने के बाद ये कितना अच्छा दिख रहा है दुपट्टा इसका, और इसका दुपट्टा आप दूसरी कुर्ती के साथ भी पेयर कर सकते हैं। और इसकी प्राइस की बात करूँ तो ये मैंने सेल पर ऑर्डर किया था मीशो से, और ये मुझे 700 के आसपास का पड़ा है। और मैंने सेम ही फ्लिपकार्ट में भी देखा था, तो उसमें 1000 रुपये के अंदर अंदर का ही रहा होगा। ये मीशो और फ्लिपकार्ट में बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है प्राइस का, कुछ कुछ चीज़ें मीशो में सस्ती पड़ती है और कुछ चीज़ें फ्लिपकार्ट में सस्ती पड़ती है, दोनों में से आप देख कर ले सकते हैं। तो कुर्ती वगैरह मुझे ऐसा लगता है कि मीशो में थोड़ी सी प्राइस थोड़ी कम पड़ती है, तो भले मीशो में कभी कभी प्रोडक्ट ख़राब आ जाते हैं लेकिन आप उसे रिटर्न भी कर सकते हैं अगर ख़राब आते हैं तो, लेकिन प्राइस भी वैसे ही रहती है उसकी। तो इसकी क्वालिटी काफ़ी ज़्यादा अच्छी है, इसे आप ट्राई कर सकते हैं, ले सकते हैं। तो चलते हैं अगली कुर्ती की तरफ, और ये वाली कुर्ती तो आपने देखी होगी मेरे चैनल पर, और मैंने कई बार पहन भी लिया है इसे। और तो इसका जो फैब्रिक है वो रेयॉन है, लेकिन वैसा पतला वाला रेयॉन नहीं है, काफ़ी ज़्यादा थिक है, कॉटन टाइप का रेयॉन है, जैसा रेयॉन आजकल आ रहा है ना कॉटन जैसा, वैसा वाला रेयॉन है ये। और इसके जो गले में आप देख सकते कितना सुंदर सा डिज़ाइन बना हुआ है, यहाँ पर पूरी लेस लगी हुई है गोटा पट्टी की। और ये जो है इसके स्लीव्स में भी, इसका स्लीव्स जो है 3-4 स्लीव्स आएगा, और स्लीव्स में भी आपको गोटा पट्टी और ये वाला कपड़ा फैब्रिक डिजाइन, ये वाला फैब्रिक का डिज़ाइन मिल जाएगा यहाँ पर से। और यहाँ पर से आपको घेर मिल जाएगा नीचे, और काफ़ी ज़्यादा अच्छा घेर है इसमें। बैक से तो ज़्यादा कुछ नहीं है यहाँ पर, बैक से प्लेन ही है। और यहाँ पर से जो ये देख रहे हैं ना फ्रेंड्स, ये जुड़ा हुआ था तो मुझे गला थोड़ा छोटा लगा, इसलिए मैंने इसे खोल लिया था, तो ये खुला ही हुआ है। इसे आप चाहें तो ऐसे ही रख सकते हैं या फिर आप खोल भी सकते हैं। तो ये भी पूरा दुपट्टा और पैंट भी आया है इसके साथ में, तो वो भी मैं आपको दिखाती हूँ। और ये रहा इसका दुपट्टा, तो इस दुपट्टे को भी आप दूसरे किसी कुर्ते के साथ में पेयर कर सकते हैं आराम से। इसका फैब्रिक जो है वो चंदेरी कॉटन है, कॉटन का दुपट्टा है, और इसका प्रिंट देख सकते हैं कितना ज़्यादा ब्यूटीफुल सा प्रिंट है इसमें, बहुत ही ज़्यादा सुंदर लगता है ये। और अगला जो, और इसके साथ में जो नीचे का जो पैंट आया है वो इस प्रकार का है, प्लाजो टाइप का है ये, और नीचे से थोड़ा सा चौड़ा है, जो कुर्ती वाला फैब्रिक है वो उस टाइप का यहाँ लगा हुआ है लेस नीचे में, और दोनों साइड इसमें इलास्टिक लगा हुआ है। तो ये भी बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल है, अगर आप बाहर कहीं ट्रैवल करते हैं तो उसके लिए भी ले जा सकते हैं, क्योंकि इसके इसको इस वाले फैब्रिक को प्रेस करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, ये बिल्कुल भी सी कुर्ता नहीं है, बस आप कितने भी बार पहन सकते हैं और धोकर फिर वापस पहन सकते हैं इसे, और ज़्यादा रख रखाव की ज़रूरत नहीं पड़ती है इसे, तो आराम से आप इसे ले जा सकते हैं। तो बात करेंगे इसकी प्राइस की, तो इसका जो प्राइस है वो मुझे 600 के आसपास का पड़ा है, और मिंत्रा में सेम मैंने देखा था कुर्ती तो वो 1000 के आसपास की थी। कट में भी प्राइस मैंने चेक किया था इसका तो मुझे ज़्यादा लगा था, और मीशो में मैंने सेल पर मंगाया था जो वो लाइव सेल जो नहीं चलता है मीशो में, 40% ऑफ वाला फ्राइडे को जो आता है, उस पर मैंने ये ऑर्डर किया था, तो मुझे बहुत ही कम में पड़ा था। अगला वाला जो कुर्ता सेट है वो कुछ इस प्रकार का है, और ये पर्पल कलर का है, लाइट पर्पल कलर, और ये कलर बहुत ही ज़्यादा बहुत ही ज़्यादा प्यारा है, लेकिन इस टाइप का कलर जो है बहुत जल्दी गंदा भी हो जाता है। ये वाला जो फैब्रिक है ये फैब्रिक क्रेप है, लेकिन पहनने पर बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है, कम्फर्टेबल भी है,
और ऐसा नहीं है कि आप गर्मी में नहीं पहन सकते, गर्मी में भी इसे पहन सकते हैं, ठंडी में भी पहन सकते हैं। फैब्रिक में आपको अनकंफर्टेबल फील तो बिल्कुल भी नहीं होगा। और सबसे मेन जो पार्ट है इसकी जो खूबसूरती को और बढ़ा देती है वो है इसकी स्लीव्स। जो स्लीव्स जो है वो बहुत 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 ही ज़्यादा सुंदर है, बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल है इसकी स्लीव्स। और ट्रांसपेरेंट, हल्की हल्की सेमी ट्रांसपेरेंट टाइप की है इसकी स्लीव्स। और देख सकते हैं ये जो स्लीव्स है इस पर यहाँ पर बटन दिया हुआ है, तो ऐसे आप पहनेंगे ना बहुत ज़्यादा, थोड़ी सी लंबी है ये हाथ से, और पहनेंगे तो यहाँ पर चुन्नट बनती है, पूरी चूड़ी जैसे बनती है यहाँ पर, और वो देखने में बहुत ही ज़्यादा सुंदर लगता है। ये पूरी अनारकली टाइप का कुर्ता है, यहाँ पर देख सकते हैं आप, ये पूरा प्रिंट मिल जाएगा आपको, और ये थोड़ा शाइनिंग वाला भी प्रिंट है, और पहनने पर बहुत ही ज़्यादा सुंदर लगता है। इसमें तो कलर ऑप्शन है नहीं, इसमें कलर ऑप्शन नहीं है, एक ही कलर है इसमें, तो मैंने इसी कलर को मंगा लिया था और बहुत ज़्यादा सुंदर है ये। और वी नेक भी आजकल चलन में है, तो वी नेक भी बहुत ज़्यादा सुंदर लग रहा है। और साइज वाइज तो मुझे परफेक्ट आया है, बहुत ही ज़्यादा अच्छी फिटिंग आई है इसकी। और इसके साथ में आपको एक पैंट मिल जाता है, प्लाजो टाइप का ही है, थोड़ा सा चौड़ा है ये नीचे से, और साथ में ये दुपट्टा मिल जाता है। तो दुपट्टा भी प्लेन है, और इस पर यहाँ पर थोड़ा थोड़ा सा डिजाइनिंग है, यहाँ पर टैसल्स लगे हुए हैं। और दुपट्टे में यहाँ पर आपको गोटा पट्टी मिल जाएगा, गोटा पट्टी वाली लेस। और इसकी जो प्राइस है वो 600 या 700 के आसपास की है, और बहुत ज़्यादा नहीं है। सारी जो कुर्ते हैं उसकी प्राइस 600-700 ऐसे आसपास की है, 700-750 के अंदर का ही कुर्ता है सारा मेरा। और लास्ट वाला जो है ये वाला कुर्ता सेट जो कि मैंने राखी में पहना था, आपने देखा ही होगा मेरा राखी वाला ब्लॉग अगर देखा होगा तो। और ये 900 के आसपास का पड़ा है, मैंने फ्लिपकार्ट से लिया था ये। तो ये देख सकते हैं इसकी नेक पर बहुत ही सुंदर सी एम्ब्रॉयडरी बनी हुई है, ये पूरा एम्ब्रॉयडरी है और धागे से काम किया हुआ है, धागे और जरी से। और इसके गले में इस प्रकार का डिजाइन बना हुआ है यहाँ पर, और इसकी स्लीव्स में भी लेस लगा हुआ है यहाँ पर। और जो इसका फैब्रिक है वो रेयॉन है, मतलब अच्छा वाला रेयॉन है, बहुत ज़्यादा पतला नहीं है, ट्रांसपेरेंट बिल्कुल भी नहीं है, थोड़ा सा मोटा है, कॉटन जैसा ही लगता है इसको पहनने में। और यहाँ पर आपको कमर में यहाँ पर चुन्नट मिल जाएगी, प्लेट्स हैं कमर पे, और ये साइड से नायरा कट है, मैं आपको दिखा दूँ, ये साइड से पूरा नायरा कट है, और नीचे भी आपको इस प्रकार की लेस और साइड में लेस मिल जाएगी। और ये पूरी कुर्ती में आपको चुनरी प्रिंट टाइप का मिल जाएगा, और इसमें भी आपको बहुत सारे कलर्स मिल जाएंगे, इसमें चार या पांच कलर अवेलेबल है, तो आप दूसरा कलर भी ट्राई कर सकते हैं, बहुत ही अच्छे अच्छे कलर्स हैं। और ये मुझे 900 के आसपास का पड़ा है, तो अभी सेल में इसका प्राइस थोड़ा कम भी हो गया था। ये इसका पैंट है जो कि सेम कुर्ती के जैसा ही है, और ये इसका दुपट्टा जो कि कुर्ती जैसा ही आएगा, इसमें जो प्रिंट है वो पूरा कुर्ती जैसा ही प्रिंट है। तो जब पूरा सूट पहनेंगे ना एक साथ, तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा लुक आता है इसमें। कुर्ता सेट्स हैं, कुर्ती ड्रेस है, उसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगी, तो वहाँ से आप देख सकते हैं, ले सकते हैं इसे। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए, सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए मेरे चैनल को, मैं ऐसे अच्छे अच्छे वीडियोज़ लेकर आती रहूँगी आपके लिए। और मैं आपसे मिलती हूँ अगले वीडियो पर, ओके बाय, तब तक के लिए बाय।